हेलो फ्रेंड, आज के मैथ्स के बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लॉस कवर कर सकते हैं। कल का हमारा सीएसके और पंजाब का रिजल्ट आप देख सकते हो। क्लीन स्वीप हमने किया था, कैप्टन गायकवाड़ थे हमारे। तो यहाँ से अनलिमिटेड कैशबैक भी आप पा सकते हो। कैसे? यदि आपने लीग 11 डाउनलोड नहीं किया, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्री प्राइम टीम यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्री गिफ्ट के साथ साथ फ्री प्राइम टीम भी प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं। तो कल की हमारी सेकेंड इनिंग की टीम देख सकते हो, काफ़ी लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर के साथ गए थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बरिस्टो के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन गया और यहाँ पर क्लीन स्वीप किया। तो आई चलते हैं। तो यहाँ पे हैदराबाद और राजस्थान के बीच मैदान पे होने वाला है। किस मैदान पे? ये होने वाला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद पे। बैटिंग पिच रहती है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है ये। और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग स्कोर आप दे सकते हो 203 रन। पेसर को ये ज़्यादा सपोर्ट करता है। वेन्यू पे फर्स्ट बैटिंग 40%, सेकंड बैटिंग जो है 60% विन करती है। टॉप बैट्समैन बैटर कौन से हो सकते हैं आज, जिस पे लोग फोकस कर सकते हैं ग्रैंड लीग पे? अभिषेक शर्मा है, अब्दुल सामद है, जॉस बटलर है, संजू सैमसन है, ठीक है। बॉलर पे नटराजन है, फजल हक फारूकी यदि खेलते तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और यहाँ पे युद्धवेंद्र चहल हैं, जो हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ पे 3 मैच पे 11 विकेट इन्होंने लिया है अंगेंस्ट हैदराबाद। और ट्रेट बोल्ट भी अच्छे रह सकते हैं आज के इस मैच पे, क्योंकि अपोनेंट पे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जैसे अभिषेक शर्मा और यहाँ पे ट्रेट हेड, इन्हें काफ़ी बार आउट किया है। प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, पिछले प्लेइंग 11 के साथ ही हम जा रहे हैं, ठीक है। और फाइनल अपडेट टीम प्लेइंग 11 के साथ जो भी आपको मिलेगा वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन पिच रिपोर्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेड टू हेड लास्ट पास्ट 2 मैचेस की बात करें तो दोनों ने एक एक मैच जीता हुआ है। बात करते हैं फैंटेसी टिप्स की, तो वेन्यू स्टेट पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हैरी क्लासन जो है ये 59 की औसत से 351 रन बनाए हैं। वहीं पे संजू सैमसन अकॉर्डिंग यहाँ पे 287 रन 72 की एवरेज से रन बनाए हैं। लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो क्लासन का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 17-18 का रिकॉर्ड है, एवरेज है इनका, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं यशस्वी जायसवाल, तो पर मैच पर 75 पॉइंट्स देते हैं, तो एक अच्छा ट्रम्प साबित प्लेयर हो सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन। यदि आप जिस टीम को जिताना चाहें, ग्रैंड लीग की टिप दे रहा हूँ, जिस टीम को आप जिताना चाहें, जैसे कि आप राजस्थान को जिता रहे हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन जो भी रखेगा वो राजस्थान के प्लेयर के साथ ही जाइएगा। और यदि आपने हैदराबाद को जिताने की सोच रहे हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप हैदराबाद के प्लेयरों के साथ जा सकते हैं। संदीप शर्मा की बात कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, यहाँ पे डेथ में बॉलिंग करने आएंगे। फर्स्ट बॉलिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट है, 13 की स्ट्राइक रेट है, हर 13 बॉल पे विकेट लेते हैं। लेकिन सेकंड बॉलिंग पे बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस इन्होंने दिया हुआ है। अब से एक शर्मा एवरेज 43 का है बैटिंग फर्स्ट में, वही बैटिंग सेकंड आती है तो आप इन्हें ड्रॉप करके चलिएगा, क्योंकि 24 का बैटिंग सेकंड एवरेज है इनका। जॉस बटलर का यहाँ पे 100 रन एंड मैनी 30 रन बोनस हैज लास्ट 5 पे बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा शानदार रिकॉर्ड है। 30 रन बोनस मतलब कि अच्छे पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग पे, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप दे सकते हैं। रवि रास विन है, आउट ऑफ फॉर्म है, 8 मैच पे सिर्फ 2 विकेट लिया है। बैटलर और बॉलर पे यद्विन चहल ने, यहाँ पे आपको बता दूँ कि डिसमिस यहाँ पे क्लासन 386 यहाँ पे इनकाउंटर पे आउट किया हुआ है। तो आइए चलते हैं अब, तो लास्ट जो मैचेस की बात कर लेते हैं। लास्ट 5 मैचेस पे सनराइजर लगातार 2 मैच हार के आ रही है, वहीं राजस्थान लगातार अपने दोनों मैच जीता हुआ है। वेन्यू रिसेंट मैचेस पे आप देख सकते हो बैटिंग पिच है, ठीक है। एवरेज स्कोर भी आपको दिखा देता हूँ। हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, तो संजू सैमसन पे वेन्यू पे रिकॉर्ड जो रहा है 5 मैच पे 56.4 के एवरेज से रन बनाया है। यशस्वी जायसवाल 54 के एवरेज से, वहीं पे हैरी क्लासन 49.6 के एवरेज से। हेड टू हेड रिकॉर्ड सही नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे वेन्यू पे रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। युद्धवेंद्र चहल का ग्राउंड पे रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। जयदेव नाटकट यदि डेथ में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे फर्स्ट बॉलिंग पे, तो एक अच्छे रिकॉर्ड ये रखते हैं, काफ़ी कम लोग लेके जाएंगे, और तो आप इन्हें के साथ जरूर जा सकते हैं। वहीं पे टी नटराजन ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं, विकेट कीपर सेक्शन पे हमने लिया है सैमसन बटलर और क्लासन को, ठीक है। बैट्समैन की तरफ से हमने
हेड को, जायसवाल को, शर्मा को। ग्रैंड लीग पे यदि सेकंड बैटिंग आती है सनराइजर्स को तो आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। अब्दुल सामद आप इनके साथ जा सकते हैं, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। वहीं पे नितिन रेड्डी जो हैं ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं यदि बैटिंग सेकंड बैटिंग आती है तो, एक अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं ये, क्योंकि सेकंड बैटिंग में रिकॉर्ड देखा जाए सनराइजर्स का तो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है बैट्समैनों का। वहीं पे नितेश रेड्डी एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, तो एक इनके साथ आप ग्रैंड लीग पे लेके जा सकते हैं। वहीं पे शहबाज अहमद है, कुछ ओवर बॉलिंग साथ में बैटिंग से भी अच्छे हाथ जमा सकते हैं, तो ग्रैंड लीग पे आप इनके साथ ज़रूर जा सकते हैं। वहीं पे युजवेंद्र चहल हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा, लेकिन ये जो फर्स्ट इनिंग पे बॉलिंग आएगी तो आप इन्हें ड्रॉप करके चलिएगा। उनकी जगह आप ट्रेंट बोल्ट के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे पेट कमिंस को ड्रॉप करके यहाँ पे ग्रैंड लीग पे आप आवेश खान या फिर जयदेव नारकट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और 15% का सिलेक्शन है। तो आपको बता दूँ कि जो ग्रैंड लीग विन करते हैं तो टॉप के एक दो प्लेयर जो होते हैं जो अंडर 20% सिलेक्शन प्लेयर्स होते हैं। तो आइए चलते हैं अब सनराइजर्स के फर्स्ट बैटिंग के अकॉर्डिंग ये टीम बनी हुई है। कैप्टन रेट्टी हेड, वाइस कैप्टन संजू सैमसन को बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड टीम, फर्स्ट टीम हमारी जो रहने वाली है, यहाँ पे सैमसन यहाँ पर ये विकेट कीपर कैप्टन और वाइस कैप्टन बटलर के साथ गए हैं। और यहाँ पे थर्ड टीम जो है हमारी वो कैप्टन संजू सैमसन और हैरी क्लासन का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है इस ग्राउंड पे, तो हम उनके साथ गए हैं। फाइनल अपडेट टीम टॉस के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेटेस्ट अपडेट, वेन्यू रिकॉर्ड, हेड टू हेड रिकॉर्ड सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।